एवरी वन वेलकम टू करण क्रंच तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर ठीक है हम करंटली पेपर बी कर रहे हैं नितिन सांगवान सर की एसेंशियल सोशियोलॉजी बुक से ये उनकी बुक का लेटेस्ट एडिशन है अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पेस्ट कर दूंगी वहाँ पर मैं चैप्टर वाइज पी अपलोड करती हूँ तो चैप्टर वन एंड टू हमारा कंप्लीट हो गया पेपर बी का तो दोनों चैप्टर के पी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे जैसे ही हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है इसका पी भी मैं ग्रुप में अपलोड कर दूँगी तो बिफोर यू प्रोसीड फर्दर एज ऑलवेज से डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है तो हम स्टार्ट करते हैं अग्रेडियन सोशल स्ट्रक्चर से बेसिकली अग्रेडियन सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है जो लैंड आपके पास है या जो लैंड टेन्यर सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन या उसका स्ट्रक्चर ठीक है लैंड टेन्योर सिस्टम क्या हुआ कि वो लैंड पे कौन काम करता है कल्टिवेशन कौन कर रहा है किन कंडीशंस के अंडर वहाँ पे कल्टीवेशन हो रही है फाइन और जो प्रॉफिट है जो रिसोर्सेज है जो प्रोडक्शन है वो कौन ले रहा है वो प्रोडक्शन वगैरह तो ये सारा प्रोसेस जो है लैंड टेन्योर सिस्टम से आप इसको डिटर्मिन कर सकते हो इसको हम क्या बोलते हैं इस सब चीज़ों की स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है अग्रेरियन स्ट्रक्चर हिस्टोरिकली जो एक्सेस टू लैंड है इट हैज शेप्ड रूरल क्लास स्ट्रक्चर कैसे यूजुअली जो हाई कास्ट लोग होते थे उनको हाई क्लास भी बोलते थे क्योंकि स्टेटस उन्हीं का ज़्यादा था और वही लोग होते थे आपके वगैरह जो हाई कास्ट कैटेगरी को बिलोंग करते थे तो ये सारा जो कास्ट क्लास स्टेटस लैंड है ये सारा जो कॉन्सेप्ट आपस में थे ये इंटरलिंक थे क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो शूद्रा होगा सो कॉल्ड लो कास्ट कि उनके पास काफी ज्यादा जमीन होगी और वो कहीं का जमींदार भी होगा ठीक है यूजली हाई कास्ट लोग जो थे वही

जो मैंने आपको लैंड टेन्योर सिस्टम में अभी कहा जो प्रोडक्शन है वो कौन अप्रोप्रिएट करता है वो प्रोडक्शन कौन ले जाता है आप वो लैंड कितने टाइम पीरियड के लिए होल्ड करते हो ये सारी जो कंडीशन है ये टेन्योर सिस्टम के अंडर आती है लैंड जो है वो हमेशा से सेंट्रल पीस रहा है इंडियन इकोनोमी का ठीक है एंड स्टिल होल्ड एन इम्पॉर्टेंट इन इट पहले तो था ही इंपॉर्टेंट लेकिन अभी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी इंडिया को क्या कहा जाता है एक अग्रेडियन सोसाइटी ही कहा जाता है हिस्टोरिकली जो लैंड थी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था यू हेल्ड लैंड एज ए मैटर ऑफ ट्रेडिशनल राइट दैट इनहेरिटेंस थी आप आगे जो लैंड है फर्दर अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे और आपसे वो लैंड कोई खरीद के उसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बना सकता है अब इसको लेके अलग से, जैसे कॉन्सेप्टी ने कहा था कि लैंड जो थी वो विलेज कम्युनिटी को बिलोंग करती थी मजुमदार ने कहा था कि, एक कि एक किंग को बिलोंग करती थी क्योंकि किंग का राइट था उनके पास लैंड थी और फर्दर आगे अपने ऑफ स्प्रिंग्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे ए आर देसाई ने कहा था जो किंग है वो पार्शल ओनर रहे हैं लैंड के उसपे काफी बाकी ग्रुप्स के भी नहीं था ट्रेडिशनल राइट था मुगल्स ने भी ट्रेडिशनल राइट को रियलाइज किया लेकिन उन्होंने इसमें टैक्सेशन का सिस्टम लाया कि अब अगर आपके पास लैंड है आपको टैक्स पे करने का करना होगा ठीक है उसकी जगह तो मॉनेटरी टैक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस हुआ पीरियड ऑफ टाइम और जो उनकी एम्पायर थी उसको उन्होंने डिवाइड किया था इनटू टू परगनाज एंड तालुक्स वगैरह तो परगनाज बेसिकली क्या होते हैं आपके रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं या आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स भी बोलो जिनमें क्या होता है एक नंबर ऑफ विलेजेस वगैरह आते हैं ठीक है काफ़ी विलेजेस का ग्रुप ऑफ विलेजेस बना के एक परगना बनता था जिसको आप रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बोलते थे और जो इन लैंड यहाँ पे लैंड कलेक्शन में इन्वॉल्व होते थे रेवेन्यू ऑफिसर जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उन जगह से उनको आमिल बोला जाता था ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है तालुक्स क्या होता था बेसिकली सब टाइप परगना का ही तालु होता था और जो ऑफ़ रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे उनको तालुकदार जाता था आपके मनसब्दार्स थे, मनसब्दार्स आपके जो भी सारा रेवेन्यू वहां से जनरेट होता था वो वो रेवेन्यू खुद को रखते थे और इन रिटर्न वो किंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे लाइक वो उनको आर्मी वगैरह प्रोवाइड करते थे इन टर्म्स इन टाइम्स ऑफ वॉर ठीक है तो वो आपके मंसबदार जन आपका मनसबदारी सिस्टम था वो जो लैंड उनके पास होती थी उनको जागीर बोला जाता था इस टाइम पे आपको रोयतवारी और पट्टा का हल्का हल्का फॉर्म भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा रोयतवारी क्या होता है वो हमें आगे पढ़ना है पट्टा क्या होता है बेसिकली डॉक्यूमेंट होता है जो बोलता है कि हाँ ये लैंड किसकी या आपकी लैंड है ये सारा हुआ था प्री औरंगजेब एरा से एरा के अब मतलब औरंगजेब की डेथ के पहले प्री औरंगजेब एरा है तो डेथ के बाद क्या हो गया जो सेंट्रलाइज पावर था मुगल एम्पायर का वो डिक्लाइन होने लगा और छोटी छोटी किंगडम्स आ गए अलग अलग अब क्या होता था जो लैंड थी वो किसको दी जाती थी वो उसका ऑक्शन होता था और जो सबसे बड़ी बोली लगाता था हाईएस्ट बिडर उसको लैंड दी जाती थी एक फिक्स सम के लिए अब देखो वो बिडर कोई नोबल भी हो सकता था मिलिट्री ऑफिशियल भी हो सकता था वो जरूरी नहीं कोई जमींदार कैटेगरी या एग्रीकल्चरल कैटेगरी का ही हो जो लैंड का ध्यान भी रखे वो क्या करता था वो ऑक्शन हो जाती थी ठीक है वो लैंड उसको मिल जाती थी तो वो लैंड आके फर्दर और कोई सब जमींदार वाली कैटेगरी आ गई इंटरमीडियरीज आ गई उनके हवाले कर देता था और फाइनली वो कहाँ तक पहुंच

तो वो खुद लैंड लॉड्स वहाँ प्रेजेंट नहीं होते थे वहाँ रहते नहीं थे काम नहीं करते थे इस वजह से उनको एबसेंटी लैंड लॉर्ड्स बोला जाता है इससे भी प्रॉब्लम हो गई इससे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गई क्योंकि देखो जब लैंड लॉड खुद रह रहे है उस जमीन पे तो उसको पता है जमीन की कंडीशन क्या है कितना जस्ट है मेरा रेवेन्यू इनसे एक्सट्रैक्ट करना कितना प्रेजेंट को फोर्स कर सकते हो आप रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करो क्योंकि अगर बारिशें हुई फॉर एग्जाम्पल क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर मानसून डिपेंडेंट है मेजरली अगर बारिशें नहीं हो रही हैं तो आपकी कल्टीवेशन प्रोडक्शन उतनी ही कम होगी तो उस टाइम पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपका रेवेन्यू आपका जो क्रॉप यील्ड है वो बहुत ज्यादा हो तो फाइनली क्या होगा रेवेन्यू प्रोडक्शन जो होगी आपकी वो कम हो जाएगी तो लैंड लॉर्ड जब वहां पे होंगे ही नहीं प्रेजेंट उनको इन चीजों से कोई वास्ता नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड या जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उनको लैंड पे इसको इंप्रूव करने के लिए इसकी कंडीशन वो सारी चीजें नहीं होने नहीं होती थी क्योंकि लैंड लॉर्ड जो थे वो एक्चुअल जमीन से एबसेंट होते थे ठीक है ये आपका कॉन्सेप्ट था एबसेंटी लैंड लॉर्डिज्म का जब मुगल एम्पायर एम्पायर आपका डिक्लाइन होने लगा तो एग्रेरियन सेक्टर जो था ये भी इट आल्सो केम अंडर स्ट्रेस फ्रीक्वेंट रेट्स एंड वॉर्स जो थे पुश द्लास इन टू पॉवर्टी एंड डिप्रेवेशन क्या होता है जो वॉर्स वगैरह होते हैं ये सारी चीजें होती हैं सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है जो लोएस्ट रंग सेक्शन होता है सोसाइटी का वही यहाँ पे भी हो गया ठीक है इन सब चीजों के बावजूद अभी भी जो एग्रीकल्चर था वो सेल्फ सफिशियंट था क्योंकि कॉपरेशन थी विलेज लेवल पे ठीक है प्रोडक्शन को लेके कॉपरेशन थी और जो नीड्स थी दे वर लोकली मेट के एटलीस्ट इतना तो प्रोड्यूस करते थे कि वो खा पाए तो काइंड kind ऑफ of एक सेल्फ uh, सफिशेंसी अभी भी थी एग्रीकल्चर में इसको इसके जो एग्रीकल्चर uh, उस टाइम का था इसको दो व्यू पॉइंट्स में दो स्कूल्स ऑफ थॉट में इंटरप्रेट किया जाता है जो नेशनलिस्टिक व्यू है वो कहते हैं कि हाँ जो विलेज थे वो सेल्फ सफिशियंट थे उस टाइम पे भी लेकिन आपके यूरोपियन से चार्ल्स कैफ वगैरह उन्होंने क्या कहा था एटोमिस्टिक वो होमोजिनिटी वो वाले कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए थे तो उन्होंने कहा था लिटिल रिपब्लिक से विलेज क्लोज से आइसोलेटेड थे अलूफ थे फाइन तो यूरोपियन व्यू इसलिए भी ऐसा डेवलप हुआ था क्योंकि मोड ऑफ कोई कम्युनिकेशन नहीं था अंडर डेवलपमेंट थी काफ़ी ज्यादा और जो विलेजेस थे वो आपके वाइडर इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट नहीं हुए थे क्योंकि आप देखो वो इसको यूरोपियन लाइन्स पर कहीं ना कहीं देख रहे थे यूरोप कहाँ था उस टाइम और इंडिया में ये सारी डेवलपमेंट्स नहीं हो रही थी तो ये कह रहे थे जो विलेज है हाँ वो क्लोज है आइसोलेटेड है लेकिन नेशनलिस्टिक व्यू जो है वो यहाँ के कंडीशन से पहले से ही अवेयर थे उनको पता था कि हाँ इंडियन सोसाइटी कैसी है तो उस हिसाब से वो कह रहे थे इतने खराब कंडीशन इतने इन्वेडर्स और रूरल्स आने के बाद भी अभी भी जो एग्रीकल्चर है और हमारी जो विलेज है वो कहीं कही ना कहीं सेल्फ सफिशियंसी और सेल्फ सफिशियंट रख रहा है वहां के इंडिविजुअल्स को सिंस लैंड एंड प्रोड्यूस जो था इट वॉज अ इंजन ऑफ द इकोनमी अब क्या किया ब्रिटिशर्स आ तो कॉलोनियल रूलर्स को था कि हाँ हमें अब लैंड के लिए कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाने ताकि वहां से मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सके इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया उन्होंने इस वजह से क्या किया अलग अलग सिस्टम्स लेके आए ऑन देअर लर्निंग ओवर द ईयर्स एंड लोकल कंडीशन हर टाइम जो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करते थे नया मैकेजम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वो उसको प्रोजेक्ट करते थे हम कोई लैंड रिफॉर्म लेके आए हैं ठीक है लैंड रिफॉर्म मेजर पर उनका मकसद क्या होता था कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो एक्सट्रैक्ट करना था द ब्रिटिश चोज न्यू सिस्टम फॉर वन मोर रीजन दे वॉन्ट टू ब्रेक द स्ट्रैगल होल्ड और फॉमेडेबल लैंड लॉर्ड एंड जागीरदार्स। क्योंकि जो लैंड लॉर्ड एंड जागीरदार है उनका काफी ज्यादा अभी देखो अभी भी जो ज़मींदार्स वगैरह हैं आपके ठीक है मतलब उनकी एक वैल्यू होती है बोलते हैं ना कि जमींदार के हैं जमींदार का हैं एंड ऑल दैट तो उस टाइम के जो ज़मींदार थे या जो आपके जागीरदार्स थे जिनके पास जागीरस होती थी जो मिलिट्री का भी ध्यान रखते थे उस टाइम पे जो मुगल एम्पयर्स थे उनकी तो उनका कहीं ना कहीं एक स्ट्रैंगल होल्ड था उनकी इंपॉर्टेंस थी सोसाइटी में और उनका दबदबा भी था तो ब्रिटिशर्स को इनको भी वीक करना था ठीक है ताकि कल को जाके उनके लिए कोई थ्रेट ना प्रोवाइड थ्रेट ना बन जाए तो जागीरदार्स हेल्ड कंसिडरेबल पुलिस एंड जुडिशियल पावर्स ऑल्सो विच वॉज नॉट डिजायरेबल फॉर द ब्रिटिश क्योंकि मैंने कहा इनके पास आर्मी मेंटेनेंस भी होती थी इनको जुडिशियल पावर्स भी काफी दिए गए थे आपने हिस्ट्री में देखा होगा हिस्ट्री वाला टॉपिक है ये मोस्टली तो इसीलिए वो ब्रिटिशर्स के लिए थ्रेट थी क्योंकि ब्रिटिशर्स को क्या थे? चाहिए थे उनको बाबूज चाहिए थे उनको ब्यूरोक्रेट्स चाहिए थे जो उनकी उंगलियों पे नाचे उनके इशारों पे नाचे और कोई ऐसी क्लास नहीं चाहिए थी जो कल को उनके लिए कोई थ्रेट बन सके इस वजह से भी लैंड रिफॉर्म जो है अलग अलग वो लाने की कोशिश करते थे उस टाइम पे क्या हुआ था बैटल ऑफ फेसियन बक्सर हुआ था ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी यहाँ पे उसके बाद जीतने के बाद ब्रिटिशर्स को दीवानी पावर्स दिए गए थे दैट इज योर राइट टू रेवेन्यू कलेक्शन अभी रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे तो अभी जो ही रेवेन्यू कलेक्शन का इनको राइट दिया गया तो अब इनको क्या करना था इनको कुछ एफर्ट लगाना था ताकि लैंड का ये देखे असेस कर सके लैंड को कि कौन सा तरीका हमें यूज करना चाहिए रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए और अकॉर्डिंगली इन्होंने तीन जो मेजर रिफॉर्म्स हैं या आप बोल सकते हो सेटलमेंट्स से, हैं वो लेके आए थे जिसके थ्रू इन्होंने अपनी जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको इजी करने की कोशिश की थी

बेसिकली सेटलमेंट क्या थी कि कैसे आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है लैंड से ताकि आपके मैक्सिमम जो प्रॉफिट है रेवेन्यू जनरेशन वो हो सके ये तीनों अपने हिस्ट्री में पढ़े हैं पर यहां पे हमारा टॉपिक है सिलेबस का तो हम यहाँ पे देखेंगे होल सेल चेंज इन दिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वॉज मेड बाई कॉर्न 1793 में एज पार्ट ऑफ इज कॉर्न वॉलेज कोड द न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन उसको बोला गया था परमानेंट सेटलमेंट और ये दमींदारी सेटलमेंट पहले मैं आपको बोलती हूँ होता क्या है उसके बाद विल गो थ्रू द बुक तो बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है कि इसमें आप सेटलमेंट करते हो परमानेंटली जमींदार्स के साथ जमींदार्स को बोलते हो आपको जैसे काम कराना कर है कराओ लेकिन हमें क्या करो अगर आप लैंड रेवेन्यू को इलेवन पार्ट में डिवाइड करते हो आप एक पार्ट अपने पास रखो ठीक है वन बाय इलेवेंथ आप रखो बाकी सारा रेवेन्यू जो हमें वो हमें दे दो तो जो लैंड लॉर्ड जमींदार है उसको कितना शेयर ऑफ रेवेन्यू रखना था वन बाय इलेवेंथ पार्ट और जो बाकी टेन पार्ट्स हैं वो किसको मिलने थे जो आपके जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, वो वो ले जाते थे तो जमींदार इंटर्न क्या करेंगे इनको इतना रेवेन्यू चाहिए अगर इनको एक पार्ट वन बाई इलेवेंथ है तो चाह चाहते होंगे वो जो वन पार्ट है वो ज्यादा से ज्यादा हो तो ये फर्दर आगे पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे हाई लेवल का ताकि मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सके इसीलिए फेल हो गया क्योंकि जो पेजेंट्री है उसकी इंपॉवरिशमेंट हो गई बुरे से बुरा हाल हो गया हाई लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन होने लगी एट द हैंड्स ऑफ जमींदार्स और फिर ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी क्योंकि ब्रिटिश ऑफिशल फोर्स करते थे जमींदार्स को एंड जमींदार्स इन रिटर्न फोर्स करते थे आपके पेजेंट्स को तो पहला देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ कॉर्न जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था प्रॉपरली नोन स्टार्टिंग फ्रॉम बेंगल एंड बिहार ठीक है जो सिस्टम है ये गेव गे लॉन्ग टर्म रेवन्यू कलेक्शन राइट टू जमीनदार जो हु वर टू पे लैंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश एट अ फिक्स रेट पे उनको देना होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लाइट टाइप ऑफ लैंड तो जो लैंड लॉर्ड है वो सपोज टू की वन बाई इलेवन शेयर ऑफ द रेवेन्यू ये पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है एज समर्ट ऑफ कमिशन एंड डिपोजिट रेस्ट विद कनी वो तो किसको देना होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसियल को डूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द रूल जो ब्रिटिश है दे वर ऑल्सो हेजिटेंट इन रिप्लेसिंग द existing सोशल स्ट्रक्चर इन विलेजेस तो वो क्या करते थे प्रेफर करते थे लोकल एलट्स जैसे एज लैंड रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ जमींदार्स क्योंकि अभी उनको सिर्फ आहिस्ता आयि यहाँ पे अपना सिक्का जमाना है तो वो एकदम से कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे कि वो सब क्लासेस को नाराज करें तो वो चाहते थे जो लोकल एलिट्स हैं जैसे आपके जमींदार्स हैं फिलहाल वो उन्हीं को ही ये दे दें राइट कलेक्ट करने के लिए जब इसने क्या किया इट प्रोवाइडेड बेनिफिशियल टू द इट प्रूव बेनिफिशियल टू द ब्रिटिशर्स क्योंकि उनको लॉयल एलीज मिले इन जमींदार्ज इन फॉरन लैंड इसीलिए फिर एंटी जमींदार जो है वो प्रोटेस्ट भी काफ़ी रिवर्ट्स होने लगे इंडियन सोसाइटी में न्यू सिस्टम में ज़मींदार अंडर द परमानेंट सेटलमेंट व डिफरेंट फ्रॉम द जमींदार जागीदार अंडर द मुगल सिस्टम ही वॉज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द पुलिस एंड द जुडिशल पावर्स अब ये याद रखना जो मनसबदार जागीदार वगैरह है इनको पुलिस और जुडिशियल राइट्स भी थे पहले लेकिन इसके परमानेंट सेटलमेंट के आने के बाद ये सिर्फ रेवेन्यू कलेक्टर्स बन गए ठीक है एंड डेंट द फ्रीडम टू फिक्स द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू वो भी इनको बोला गया वन बाई इलेवन शेयर आपको रखना बाकी आप सारा हमें दे दो तो उस हिसाब से इनका लॉस भी हुआ डिस्पाइट द लॉस ऑफ सम टेडिशनल पावर जो जमींदार से थे ऑलमोस्ट बिकेम द वर्चुअल ओनर ऑफ द लैंड रियल ओनर ओनर या अल्टीमेट ओनर कौन थे अभी भी आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी इन द सेंस जो जमींदार सेटलमेंट वॉज रिलेटिवली बेटर ऑफ देन द जागीदार ऑफ द मुगल सिस्टम ठीक है उससे उनकी कंपेरेटिवली हालत जो थी वो बेटर थी एंड दिस वॉज ऑल्सो द रीजन दट टू द कंपनी फॉर द कंपनी टू बिलीव दैट जो जमींदार्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लैंड तो उनको क्या लगा था अगर जमींदार्स की थोड़ी हम कंडीशन बेटर करेंगे वो ज्यादा रेवेन्यू उनको मिलेगा तो वो क्या करेंगे उसमें इन्वेस्ट करेंगे लैंड में क्योंकि लैंड से आपसे प्रोडक्शन प्रोडक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो ना लैंड में आपको कुछ इन्वेस्ट भी करना होगा लेकिन क्या होता था, था कि जमींदार्स ज्यादा किस में होते थे कि उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो अपने लिए वो ले सके तो वो लैंड की इन्वेस्टमेंट कोई नहीं रहती थी लैंड जो थी उसकी हालत बुरी होती गई थी इस वजह से ये वाली जो पॉलिसी थी फेल हो गई जो न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन था इन दैट नॉट ओनली द कंपनी विल गेट मोर रेवेन्यूज लेकिन जो ये सिस्टम है इट विल विलर विल बी एन इन्वेस्टमेंट इन द लैंड बाय द जमींदार जैसे यूरोप में हो रहा था पर यहां पे वैसा नहीं हुआ द कंपनी पार्शियली सक्सीड इन अचीविंग इट्स गोल ऑफ रियलाइजिंग मोर रेवेन्यूज लेकिन जो सिस्टम था इसमें जो सोचा था वैसे रिजल्ट नहीं आए इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस अब कैसे डिस्ट्रेस अगेन आपकी क्रॉप यील्ड सही नहीं हो रही है कोई बीमारी फैल रही है या आपकी रेन बारिशें नहीं हो रही हैं यील्ड कुछ भी नहीं है जो रेवेन्यू उस टाइम पे भी रेवेन्यू डिमांड्स को माफ नहीं किया गया था रेवेन्यू जो आपका वन बाई इलेवन था वो एज इट इज था उतना आपको प्रोड्यूस करना ही करना है ठीक है तो जमींदार एंड एज अ रिजल्ट जमींदार फ्रीक्वेंटली सरेंडर देअ लैंड और जो जमींदार ये नहीं कर पाता ये गोल अचीव उसको अपनी लैंड को सरेंडर किया करना होता था एंड बाद में उस लैंड को फिर आप किसी और को दे देते दे दे थे जो परमानेंट सेटलमेंट है इसलिए इसको सनसेट लॉ भी बोला जाता है सनसेट बेसिकली क्या कहता है जो ये एक किसी क्लॉज को बोलता है कि कब जो उस लैंड पे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए फिर उन लैंड को दोबारा ऑक्शन किया जाता था वो दोबारा मार्केट में आ जाती थी कॉन्ट्ररी टू द ब्रिटिश एक्सपेक्टेशन जो ऑलमोस्ट नेग्लिजेबल इन्वेस्टमेंट थी एग्रीकल्चर में और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी अंडर डेवलप्ड ही रही बाद में जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि ज़मींदारी सिस्टम के लिए ठीक नहीं था यहाँ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हुई इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो रहा है फाइन तो इस वजह से क्या हुआ ये फेल हो गया और हमने बाद में इन्होंने क्या किया नए नए और जो रिफॉर्म्स से, है सेटलमेंट सिस्टम से वो लाने की कोशिश की और एक रेगुलेशन आया रेगुलेशन सेवन ऑफ सेवनटीन नाइनटी नाइन इसने क्या किया जमीनदार को पावर दिया टू द एसेट्स ऑफ इफ दे टू पे द रेवेन्यू टू मतलब उनके वो जब्त कर सकते थे जो भी उनके एसेट्स थे के अगर वो रेवेन्यू नहीं पे कर पाए पूरा वो रेवेन्यू पे करने के लिए उनको लैंड होता जनरेट तो करनी चाहिए ना और वो अगर एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस भी वेव ऑफ नहीं होता था तो बेसिकली ये पॉइंट आप लिख सकते हो किस चीज में कि एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से वो इंक्रीज ही करे जा रहे थे फाइन तो ये सारी चीजें हो रही थी इट पुट द प्रेजेंट कल्टिवेट कल्टिवेटर्स एट द रिसीविंग एंड इन द जमींदार तो आप कौन एक्सप्लोइड हो रहे हैं कल्टिवेटर्स फाइन आपके ब्रिटिशर्स जमींदार्स को पुश करें और जमींदार बाद में किसको पुश करें कल्टिवेटर्स को जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम सम ऑफ द सेम इल्स ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग जो किस टाइम पे मुगल्स के टाइम पे हो रही थी वैसे प्रॉब्लम जो थी वो आगे थोड़ी बहुत कॉन्टिन्यू हुई और इनफैक्ट जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ गई के लिए भी फोर्स फोर्स किया जाता था टेनेंट्स को लेबर उनसे करवाया जाता था जिससे स लाइक कैश क्रॉप्स वगैरह फेलियर ऑफ विच टू अल्टीमेटलीशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फैमिली प्रेजेंट्स तो उनको क्या बोलते थे कैश क्रॉप्स आप ग्रो करो आपने इंडिगो को रिवॉल्ट पड़ा होगा वो सारा बेसिकली इसी के अराउंड है कि आपको फोर्स किया जाता था कि आप कोई एक जिससे उनको रिटर्न ज्यादा मिले कैश क्रॉप से वो आप ग्रो करो और बाकी जो आपके बेसिक नीड वाली चीज़ें वो ग्रो नहीं करो ठीक है तो इनसे क्या हो रहा था उनके और अल्टीमेटली जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता था उनको एविक्ट किया जाता था उस लैंड से तो इस वजह से उनकी प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ होती गई सम रिस्पाइड टू प्रसेंट कल्टिवेटर को ऑफर किया गया था रेंट एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी नाइन एंड बंगाल टेनेंसी एक्ट ऑफ एन एटी फाइव जिसने रिकग्नाइज किया था राइट ऑफ सम कैटेगरीज ऑफ टेनेंट्स कि हाँ उनका राइट है उस लैंड पे फाइन दिस इनह्यूमन द मोस्ट इनह्यूमन पार्ट ऑफ दिस लैंड रेवन्यू पॉलिसी वॉज द राइट ऑफ द एक्चुअल टिलर वर कंप्लीटली लेफ्ट एट द मसी ऑफ द जमींदार एंड एज ए रिजल्ट रिलेशनशिप ऑफ टेनेट्वी जमींदार एंड गवर्नमेंट है इट वर्स एंड ईयर्स एंड काफी जो रिवॉल्व हैं उसमें बाद में ये आपको देखने को मिला एंटी जमींदारी रिवॉल्ट भी प्रोटेस्ट काफी ज्यादा हुए थे पेजेंट्स के थ्रू जो पेजेंट रिवॉल्व वगैरह में आप देख आपने देखा होगा तो ये हो गया आपका परमानेंट सेटलमेंट ये भी फेल हो गया उसके बाद वो लेके आए थे रेतवारी सेटलमेंट रोहतवारी में क्या होता था अभी डायरेक्ट जो आपके पेजेंट्स हैं या रॉय्स उनको बोला जाता है उससे डायरेक्टली आप ये रहा करते थे और कहते थे हम डायरेक्टली उनसे क्या करेंगे अपना रेवेन्यू जो है उनसे लेंगे जमींदार की बीच वाली क्लास इन्हें खत्म करने की कोशिश की तो बेसिकली आप इसमें जो है वही काइंड ऑफ वर्चुअल जमींदार डायरेक्टली आप उनसे रेवेन्यू ले रहे हो पर हम देखेंगे ये भी क्यों खास नहीं चला था वन पर्टिकुलर रीजन फॉर अडोप्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम इन बेंगोल वॉज द लैंड होल्डिंग विद विदिट क्लासेस जो थी इट वॉज सिग्निफिकेंटली लार्ज इन साइज और जो ब्रिटिश थे हैड लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ एक्जिस्टिंग मैकेनिज्म ठीक है तो जहाँ पे इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लाया था वहाँ पे लैंड होल्डिंग्स काफी ज्यादा थी और ब्रिटिशर्स को वहाँ का कुछ ज्यादा पता नहीं था कि कैसे क्या करना है तो इस वजह से वो जमींदार्स पे ही ट्रस्ट करते थे लेकिन रेतवारी में क्या किया उन एरियाज में लाया जहाँ पे लैंड उतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी तो जो ब्रिटिशर्स थे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होने लगे आपके जो लैंड रेवेन्यू ये हैं कलेक्शन की टेक्निक्स है उसमें डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिशर्स ने खुद को इन्वॉल्व करना शुरू किया Treaty of 1792, टास्क ऑफ वर्किंग आउट ए सुटेबल मॉडल रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ठीक है बिफोर द कंपनी केम आउट विद सिस्टम एक शॉर्ट टाइम के लिए उनको एक रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम चाहिए था इंट्रोडक्शन जैसे जमीनदारी था इसने वुड हे अपसेट द एक्स्टिंग सोशल स्ट्रक्चर एंड कूड हैव हार्म द कंपनी रूल क्योंकि वो ऑलरेडी एक, एक जगह फेल हो गया था तो जब हम नई जगह कोई चीज लेके आओगे तो वही चीज लेके आओगे ना जो uh, कहीं ना कहीं आपको लगे कि सही होगी अब जिसने ऑलरेडी अपने फेलियर्स दिखाए होंगे वही मॉडल आप दूसरी जगह नहीं लेके आओगे बेसिकली यही यहाँ पे लिखा हुआ है विद दिस बैकग्राउंड जो ब्रिटिश है इंट्रोड्यूस द फर्स्ट डायरेक्ट रेंट कलेक्शन एक्सपेरिमेंट इन डिस्ट्रिक्ट लाइक सालिम एंड वरमलाल लैंड रेवेन्यू वॉज असिस्ड बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड एंड नॉट द एक्चुअल प्रोडक्शन तो जो लैंड रेवेन्यू है आप डायरेक्टली इसमें आप ये चीज़ें याद रखो लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली आप इसमें किससे लोगे से लैंड रेवेन्यू है वो किस पे बेस्ड होगा क्वालिटी ऑफ लैंड पे कि जितनी क्वालिटी ऑफ लैंड है उसी हिसाब से आप लैंड रेवेन्यू अपना डिमांड करोगे और ना कि जितना प्रोड्यूस आपने किया है प्रोडक्शन हुई है उस उसपे ठीक है थॉमस मुनरो जो गवर्नर ऑफ मैड्रास थे उस टाइम पे 1920 इंट्रोड्यूस दिस न्यू सिस्टम कॉल रेतवार सिस्टम अंडर विच स्टेट डेल्ट डायरेक्टली विद कल्टिवेटर्स और द तो इसमें डायरेक्ट जो है उनका डीलिंग से होने लगी ये पहले इंट्रोड्यूस हुआ था मद्रास में बाद में एक्सटेंड था बॉम्बे वगैरह में भी लाइक अ वर्चुअल ओनर अ परमानेंट टेनेंट तो अब वर्चुअल ओनर बन गया एक्चुअल अल्टीमेट ओनर अभी भी कौन थे आपके ब्रिटिशर्स थे जो ब्रिटिश ऑफिशर्स थे मुनरू बिलीव डैट द सिस्टम न्यू सिस्टम वुडरबली कट द हार्डशिप फेस बाई दीडियट वगैरह से मैंने कहा जमींदार्स फर्दर आगे अपॉइंट कर देते थे और अपने सब जमींदार्स को जो फिर ज्यादा एक्सटार्ट करना की एक्सप्ल करने की कोशिश करते थे पेजेंट्स को तो इनको क्या लगा अब ये सारे इंटरमीडियट खत्म हो गए अब हम क्या करेंगे हम अब ये थोड़ा सिस्टम जो है इम्प्रूव हो जाएगा अगर हम प्रेजेंट्स डायरेक्टली जो है रेवेन्यू डिमांड करेंगे सिस्टम जो रेट्स ऑफ रेवेन्यू है उनको हमेशा के लिए फिक्स नहीं किया गया था पहले फिफ्टी परसेंट लाया था बाद में इसको रिड्यूस किया गया था टूद वन थर्ड ऑफ द टोटल प्रोड्यूस एंड पेमेंट वॉज ऑन कैश ऑनली ठीक है तो ये इन्होंने इसको ये चेंज करते रहते थे पेमेंट इन कैश ऑल्सो मेन की जो प्रेजेंट है उसको क्या करना पड़ करना पड़ता क्योंकि कैश में में पे होता था सिर्फ ग्रेन्स अपना जो प्रोड्यूस है वो नहीं देते थे, दे सकते थे तो वो क्या करते थे वो उधारी वाला मनी लेंडिंग वो सारी सिस्टम्स वो सारा सिस्टम स्टार्ट हो गया वो लाला जी से उधार लेना वो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से डेवलप होना शुरू हो गया रोथ वाली सिस्टम में भी प्रॉब्लम मिडिलमैन थी क्योंकि इंटरमीडिएट की जरूरत पड़ती थी एक गवर्नमेंट और पेजेंट्स के बीच में

सिर्फ कुछ ही लोग थे जिनको वो वापस मिल जाती थी लैंड एंड वो क्या करते थे वो बाद में उनको दूसरों को दे देते दे थे, थे उस पर काम करने के लिए तो बेसिकली अगर कोई फार्मर है तो लार्ज फार्मर्स क्या कर देते दे थे वो आगे टेनेट्स को दे देते दे थे तो ये क्या करने की कोशिश करेंगे टेनेट से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि बीच में अपना प्रॉफिट निकाल पाए तो ये भी इसका ड्रॉबैक रहा इस वजह से भी टेनेट्स जो है वो एक्सप्लॉयड होते थे अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ द सिस्टम की जो रेट्स ऑफ रेवेन्यू है वो फिक्स नहीं थी और गवर्नमेंट उसको कभी भी इंक्रीज कर सकता था एज इट्स ओन स्वीट वेल इन अ वे सिस्टम रिप्लेस मेनी जमींदार्स सुपर जमींदार द स्टेट इट सेल्फ तो अब जमींदार तो जमींदार नहीं रहा ना बीच में वो खत्म हो गया परमनेंट सेटलमेंट के बाद लेकिन जो स्टेट है वो भी काइंड kind ऑफ of जमींदार जो अभी उस राइट के लिए वो भी एक जमींदार जो है वो एक्ट कर रहा था तो अगर ये मैप देखो आप ये वाला एरिया जहाँ पे महलवारी सिस्टम लाया जो हमें आगे पढ़ना है परमानेंट सेटलमेंट वाला सिस्टम यहाँ पे लाया और रोहित वारी यहाँ पे लाया तो अगर सोशोलॉजी में भी ये क्वेश्चन आता है तो फटाफट से मैप बना के एरिया दिखाओ कि कहाँ पे कौन सा वाला जो ये है इन्होंने पॉलिसी लैंड की वो लेके आए थे तो महलवारी सिस्टम में क्या हुआ बेसिकली उन जगहों में लाने की कोशिश की जहाँ पे थोड़ा विलेज कम्युनिटी वाली चीज जो थी वो हाई थी तो इन्होंने विलेज को एक यूनिट बनाया अब विलेज एक विलेज से कलेक्ट करते थे रेवेन्यू रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करते हैं विलेज से तो विलेज जो था वो एक यूनिट बन गया ठीक है इसको जैसे मोहल्ला काइंड kind ऑफ of, या महल्स वगैरह तो एक विलेज हेडमैन होता था जैसे उसको लंबरदार बोलते थे जो हेल्प करता था ये सारी चीजें ओवरलुक करने में और वो कलेक्ट करता था पूरे विलेज का रेवेन्यू और प्रेजेंट करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को सोन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रायतवारी इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एक नया सिस्टम लेके आए थे महलवारी वॉज इंट्रोड्यूस कहाँ पे नॉर्थ में जैसे हमने पे देखा कि ब्रेन चाइल्ड था हॉल्टजी का द सेक्रेटरी तो टेरिटोल डिपार्टमेंट वगैरह सारी चीजें कुछ फैक्चुअल बेस्ड है वो आप यहाँ पे देख लेना इन दिस सिस्टम जो रेवेन्यू सेटलमेंट है इट वॉज डन विदिन ए स्टेट कॉल्ड महल विच रफली मीन्स अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विजेस एंड पिजेंस जो थे वो को शेयर थे प्रोपरटर्स ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड जो उस पर काम करते थे एंड बाद में आप रेवेन्यू कलेक्ट करवाते थे लंबरदारे दस विलेज और कम्युनिटी है इट वॉज कलेक्टिवली रिस्पॉसिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द रेवेन्यूज़, डिस्पाइट अस ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ ए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सरफेस जो इंडिविजुअल को शेयर फार्मर है वॉज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ रेवेन्यूज एंड सच लूज है लैंड इफ दे फेल टू पे रेवेन्यूज तो आउटसाइड पे क्या लग रहा है ये कि हाँ चलो एक अब जो है वो मिलके काम करेंगे और मिलके उनको रेवेन्यू पे करना है वो तो ये हो गया ना ब्रिटिशर्स के लिए ब्रिटिशर्स के लिए एक विलेज हो गया जिसका उनको एक प्रॉपर शेयर चाहिए लेकिन जो विलेज के अंदर है वहां तो वैसे ही काम चलेगा ना आपको इंडिविजुअल फार्मर है उससे रेवेन्यू चाहिए जो आप कलेक्ट करोगे रेवेन्यू वो इंडिविजुअल फार्मर से कलेक्ट करोगे तो अगर वो वो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाया है उसको अपनी लैंड खोनी पड़ेगी तो बेसिकली बाहर से तो रेवेन्यू एक माहौल बन गया ब्रिटिश के लिए एक महल विलेज ग्रुप ऑफ विलेजेस लेकिन इन काम वही हो रहा है आप इंडिविजुअल फार्मर पर डिपेंड कर रहे हो कुछ, किसी परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू के लिए और वो अगर आपको नहीं मिल रहा है उसको अपनी लैंड जो है वो लूज करनी पड़ रही है तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है ये आपको ऐसे याद करने के लिए इजी हो जाएगा क्यों इन्हें महलवारी लेके आए थे पंजाब में या नॉर्थ इंडिया में क्योंकि कम्युनिटी लेवल ऑर्गेनाइजेशन वर स्टिल वेरी स्ट्रांग और लगा था कि वहां से रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो अच्छी और ईजिली हो जाएगी उनकी उस कम्युनिटी लेवल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से एक विलेज ऑफिसर होता था इन सम एरियाज अब देखो यहां पे भी इंटरमीडियर आ गया तो से भी इनको बाद में ये होने लगी प्रॉब्लम क्योंकि अब लंबरदार इनको एक्चुअल बताएगा रेवेन्यू कलेक्शन हुई है कि नहीं या वहां से अपना कोई प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करेगा वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को पता नहीं रहता था इन रिटर्न फॉर ए सर्विसेस को पंच पंचतरा मिलता था दैट इज फाइव परसेंट कमीशन भी उसको मिल जाता था ठीक है लैंड रेवेन्यू जो था इसको फिक्स नहीं किया था परमनेंटली इस सिस्टम में भी एंड इट वाज रिवाइज पीरियोडिकली इन 20 30 इयर्स इन कंसल्टेशन विद द लंबरदार जो महालवारी सिस्टम है इट रिमेन कंफाइंड टू द स्मॉलर एरिया डिस्पाइट हैविंग सम एडवांटेजेस ओवर द अदर टू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यूज पहला जो ब्रिटिश था उनको डिपेंड करना पड़ता था लंबरदार पे और वो हमेशा सस्पिशियस रहते थे जैसे मैंने कहा सेकेंडली रिजन लाइक मद्रास वगैरह में जो ट्रेडिशन ऑफ रोतवारी है वो काफी स्ट्रांग था और डिस्पाइट एक ब्रीफ ट्रायल महलवारी सिस्टम के भी जो रोतवारी था लास्ट में वही प्रिवेल किया था क्योंकि मद्रास में काफी सही से चल रहा था ठीक है और ये प्रॉब्लम हो गई थी इसके सेकेंडली वो सस्पिशियस थे किसके लंबरदार के कि वो हमें सही जो है डेटा प्रेजेंट करेगा कि नहीं रेवेन्यू कलेक्शन का महलवारी के अपने लिमिटेशन थे एज अ सिस्टम एंड इट्स बिगेस्ट कॉन्सिक्वेंस वॉज दैट इन द फॉर्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ विलेज कम्युनिटीज थियोरटिकली जो सिस्टम था काफ़ी ऑन पेपर काफी सही लग रहा था क्योंकि कोई मिडिलमैन मैन नहीं थे लाइक like, जमींदार या कोई राइट्स डायरेक्टली फेस नहीं कर पाते थे रेवेन्यू ऑफिसर्स को ब्रिटिश के बट इन रियालिटी जो लंबरदार था वो एक्ट करता था एज वर्चुअल जमींदार तो आप घूम फिर के वहीं आए हो एक जमींदार है वो आपको एक पूरे विलेज से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है उस विलेज के अंदर जो इंडिविजुअल फार्मर्स है उनको अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना है और अगर वो नहीं कर रहे आप उनकी लैंड सेल कर रहे हो तो घूम फिर के हम किस पे आगे फिर से पॉइंट जीरो पे मोडर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो था वो डिफिकल्ट था प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का क्योंकि आप एस कैसे करोगे रेवेन्यू कितना जनरेट होना चाहिए कितना सारा परसेंटेज वो नंबरदार को भी वो सारी चीजें नहीं आती थी तो बेसिकली ऑन यू वर डिपेंडेंट ऑन द

तो ये हो गया आपके रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम जो हमने पढ़े तीन अभी नेक्स्ट हमारा एक ही टॉपिक बचता है लैंड रिफॉर्म्स so, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसी वीडियो में हम मॉडल आंसर्स भी डिस्कस करेंगे जो बुक के एंड में दिए हुए हैं फाइन उस, उसके साथ ही हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो टिल द टाइम अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे एंड डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ और सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें मेरे वीडियो को बाय बाय